Assalamu alaikum students, today we have to discuss bottom up parser. इससे पहले we have discussion on top down parser के जिसके अंदर हमने इस चीज को discuss किया था कि आपका जो top down parser है उसके अंदर जो parse tree की construction है it starts from the root node and we move to the leaf node. So आपका जो tree है वो root node से leaf node की तरफ move करता है और उसके अंदर जो हमने पार्सर यूज किया था दैट वाज एलएल पार्सर. इट मींस कि आपकी लेफ्ट से राइट स्ट्रिंग की जो है वो रीडिंग है और जो डेरिवेशन का प्रोसेस है दैट इज लेफ्ट मोकस. और आज हमने बॉटम अप पार्सर को डिस्कस करना है. सो सबसे पहले देखते हैं कि बॉटम अप पार्सर है क्या. बॉटम अप पार्सर बेसिकली एक अगर हम इसका कंपैरिजन करें टॉप डाउन पार्सिंग के साथ ये बहुत ही ज्यादा जनरलाइज है एज कंपेयर टू द टॉप डाउन पार्सर. बिकॉज आपका जो टॉप डाउन बॉटम अप पार्सर है ये एक लार्ज क्लास ऑफ ग्रामर को हैंडल करता है एंड इट इज वन ऑफ द प्रेफर्ड मेथड दैट इज यूज्ड इन प्रैक्टिस. एक बॉटम अप पार्सर जो है जब ये ट्री की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेगा तो इट विल स्टार्ट from an input string that is beginning at the leaf node. So aapke jo leaf nodes honge wahan se isne parse tree ki construction ko start karna hai and gradually we will move up. Iska matlab hai ki hum bahut hi chote level pe cheezon ko shuru karte hain aur fir hum upar ko abstract level pe move karte hain jahan pe ultimately we will come up with the start symbol. So bottom up parser ko hum LR parsing ka naam bhi dete hain जहां पर अगेन एल स्टैंड फॉर द रीडिंग ऑफ इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आर स्टैंड फॉर द राइट मोस्ट डेरिवेशन. बॉटम अप पार्सिंग को अगर हम और थोड़ा सा कंपेयर करें टॉप डाउन पार्सर के साथ तो हम देखेंगे कि जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है उसको आपका बॉटम अप पार्सर जो है वो हैंडल कर लेता है. लिहाजा हमें ग्रामर का अंदर इस लेफ्ट रिकर्जन को अगर एलिमिनेट नहीं भी करते तो इट कैन बी इजीली हैंडल्ड बाय द बॉटम अप पार्सर. दूसरी चीज ये है कि आपके एलआर पार्सर के लिए ग्रामर का लेफ्ट फैक्टर्ड होना जरूरी नहीं है. दो एक्शंस हैं जो कि हमारा बॉटम अप पार्सर परफॉर्म करता है. एक है शिफ्ट का ऑपरेशन यानी आपने अपने नेक्स्ट इनपुट सिंबल को स्टैक में पुश करना है. तो जब स्टैक का रोल कहीं पे नजर आता है तो हम इस चीज को रिलेट करेंगे कि जो ऑटोमेटा इसके साथ एसोसिएटेड है दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा. और हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स के अंदर इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि पुश डाउन ऑटोमेटा किस तरीके से काम करता है. वहां पर भी हम अपने स्टैक के अंदर सिम्बल्स को पुश करते हैं पॉप करते हैं टू वेरीफाई वेदर अ स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल और नॉट या वेदर वो पीडीए किसी स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं करती है. इन द सेम वे यहाँ पे हम पीडीए को ही यूज करने जा रहे हैं. तो स्टैक के अंदर हम किसी इनपुट सिंबल को जब पुश करेंगे देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द शिफ्टिंग प्रोसेस. फिर जो सिंबल हमने स्टैक के अंदर पुश किया हुआ है उस सिंबल से मैप करती हुई कोई प्रोडक्शन अगर हमें मिलती है तो हम उसको रिड्यूस करेंगे टू द नॉन टर्मिनल. यानी हम अपने स्टैक में पड़े हुए सिंबल को अगर वो किसी प्रोडक्शन की बॉडी के साथ मैच करती है तो हम उसको उसके हेड सिंबल के साथ रिप्लेस कर देंगे. इन शॉर्ट हम उस सिंबल को स्टैक से पॉप करेंगे और उसकी जगह उस हेड नोड को हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे. सो डेरिवेशन का एक प्रोसेस जो है वो होगा. सो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास अल्फा और बीटा फॉर एग्जाम्पल इफ देयर एग्जिस्ट बीटा एट द टॉप ऑफ द स्टैक तो हम बीटा को रिड्यूस करेंगे तो अल्फा ए के अंदर अगर वहां पर कोई राइट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ द फॉर्म एग्जिस्ट करती है जैसा कि आपको नीचे नजर आ रहा है तो हमने बेसिकली अगर एक्स वाई इज द स्ट्रिंग के जिसको हमने देखना है कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं तो हम उस एक्स वाई सिंबल के लिए प्रोडक्शन को देखेंगे और अल्टीमेटली रिडक्शन करते करते वी विल रीच टू द स्टार्ट सिंबल. और जब हमारे पास स्टार्ट सिंबल होगा तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल. अब हम एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग को
रिड्यूस कर सकते हैं. बेसिकली आपका जो बॉटम अप पार्सर है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ स्ट्रिंग, लेट्स से w, टू द स्टार्ट सिंबल s ऑफ द ग्रामर. और इन दिस रिडक्शन प्रोसेस हर स्टेप के अंदर एक जो स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग होगा w, हम उसको किसी नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करेंगे. यानी हम ये कहते हैं कि अगर हम हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के अंदर से हम एक प्रीफिक्स उठाते हैं, दैट इज एक्चुअली अ सब स्ट्रिंग, और उस सब स्ट्रिंग से मैच करती हम एक ऐसी प्रोडक्शन तलाश करेंगे कि जिस प्रोडक्शन की बॉडी जो है वो कम्प्लीटली उस सब स्ट्रिंग के साथ मैच कर जाए. अगर उसकी बॉडी उस स्ट्रिंग के साथ मैच कर जाती है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे विद द नॉन टर्मिनल एट द हेड ऑफ दैट प्रोडक्शन. इस प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो क्रिटिकल स्टेप है वो ये है कि डिसीजन बहुत अहम है अबाउट द रिडक्शन एंड अबाउट द प्रोडक्शन जो कि हमने इस स्टेप के अंदर अप्लाई करनी है. सो हमारे पास अभी एक एग्जांपल स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रही है, जहां पर एक छोटी सी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी. सो इफ आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आगे एक और एग्जांपल लेंगे और उसकी मदद से हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे. ओके, यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है और हम इस पे डिस्कशन करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा कि मेरे पास दिस इज द स्ट्रिंग आईडी इज मल्टीप्लाई बाय आईडी इज अ स्ट्रिंग. अगर इस बात पे हम गौर करें तो ये जो सीक्वेंस पूरे का पूरा हमें नजर आ रहा है, जो आपको नीचे इसकी जो डेरिवेशन नजर है जहां पे हम ई तक पहुंचे, तो ये रूट नोड से स्टार्ट करके हम लीफ नोड से स्टार्ट करके हम रूट नोड तक गए हैं. तो सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं विद द इनपुट आईडी टाइम्स आईडी. द फर्स्ट रिडक्शन प्रोड्यूसेस एफ times id by reducing the leftmost id to f. yani hamare paas ek aisi production exist karti hai jo is id ko reduce karke la rahi hai f mein. to yahan par aap dekhiyega, actually that is the production aur humne in fact id ko reduce kiya to f. to mere paas ek production exist kar rahi hai mere grammar mein जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई f implies to id. उसके बाद हमारे पास एक और प्रोडक्शन भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज अब इस f को हम t के साथ रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि मेरी एक प्रोडक्शन है t implies f की. तो हमने जो सेकेंड रिडक्शन का प्रोसेस किया इसके अंदर वो है t को रिड्यूस किया, f इस f को रिप्लेस किया हमने t के साथ. इसका मतलब ये है कि जब हमने पहली रिडक्शन की थी तो हमने अपने id टाइम्स id को, जब id को हमने रिड्यूस किया टू f, तो हमें प्रोडक्शन की जो शक्ल मिलती है दैट इज एफ टाइम्स आईडी. और फिर जब एफ को रिड्यूस करते हैं टू टी, तो प्रोडक्शन की जो शक्ल हमें मिलती है दैट इज टी टाइम्स आईडी. अब अगर मैं यहाँ पर एक ग्रामर को लिख लूँ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ग्रामर की कोई शक्ल यूँ है कि इसमें ई एम्प्लॉयज T is T multiply by F and T also has F only in its right hand side and we have a production F that is f implies to, for instance, we have id.
सो अगर इस ग्रामर को हम कंसिडर करें तो अब इस जगह पर जब हमने अपने f को रिड्यूस कर लिया t से एंड वी आर लेफ्ट विद द प्रोडक्शन t टाइम्स id, तो इस t को फॉर दिस पर्टिकुलर t वी हैव अ चॉइस, यानी या तो हम इस स्ट्रिंग t को रिड्यूस कर सकते हैं विद द बॉडी ऑफ e implies t, जो कि मेरी स्टार्ट प्रोडक्शन है जहां पर e implies t है, और स्ट्रिंग consisting of id, और मैं id के साथ भी इसको reduce कर सकता हूँ। यहाँ पर हम t को e से reduce करने की बजाय हम id को f से reduce करेंगे, ठीक है? तो हम second id को reduce करते हैं ताकि यहाँ पर हमें, so हम इस production को use करेंगे, so again we reduce id to f, और मेरे पास जो प्रोडक्शन बनती है वो है टी टाइम्स एफ, और फिर इस एफ को हम जब फर्दर रिड्यूस करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद टी, क्योंकि ये प्रोडक्शन है जो कि टी टाइम्स एफ इस सेंटेंशियल फॉर्म के साथ मैच करता है, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे टी, एंड फाइनली दिस टी इज रिड्यूस टू ई। सो हम स्टार्ट सिंबल पे पहुंच गए। तो हमने स्टार्ट किया था एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, जिसको हमने कहा कि ये एक स्ट्रिंग है, और फिर उस स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग्स को हमने पकड़ा, और उसके बाद हमने देखा कि वो हमारे प्रोडक्शन की बॉडी के साथ मैच करता है, जिसके साथ मैच करता है हमने उस प्रोडक्शन के हेड टर्मिनल से उसको रिड्यूस कर दिया, एंड ग्रेजुअली हम ये प्रोसेस करते करते हमने उस पूरे स्ट्रिंग को रिड्यूस कर दिया टू द स्टार्ट सिंबल। और ऑन द अदर हैंड जो हमारा डेरिवेशन का प्रोसेस है वो आप देखें कि रिडक्शन इज द रिवर्स ऑफ डेरिवेशन, जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे नजर आ रही है, इस केस में हमने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया और उसके बाद हमने प्रोडक्शंस को अप्लाई करते करते फाइनली वी कम अप विद द स्ट्रिंग। अगर वो स्ट्रिंग जो है वो पूरे का पूरा रीड हो जाता है और मेरी स्टैक जो है वो खाली हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारा स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल हो गया है। लो अब हम बात करते हैं हैंडल्स के बारे में। पहले तो देखते हैं कि सेंटेंशियल फॉर्म क्या होती है। एक तो राइट सेंटेंशियल फॉर्म इज अ मिक्स्ड ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, इट मींस कि इट इज द स्ट्रिंग जिसमें टर्मिनल भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं, और ये किसी भी राइट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर आपको नजर आ जाएंगे। एक प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस प्रोडक्शन को कंसिडर करें, that is a employs beta, तो हम ये कहते हैं कि ये प्रोडक्शन एक हैंडल है इन सेंटेंशियल फॉर्म गैमा इफ गैमा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा w, एंड देयर एग्जिस्ट अ राइट मोस्ट डेरिवेशन, यानी अगर मैं इस सेंटेंशियल फॉर्म अल्फा बीटा w को देखूं और फिर मैं राइट मोस्ट डेरिवेशन करूं, और वो डेरिवेशन की शक्ल कुछ ऐसी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ दिस बी इज सिलेक्टेड एज अ सब स्ट्रिंग एंड वी नीड टू रिड्यूस इट, तो मेरे पास एक ऐसी प्रोडक्शन है जो इस बी को रिड्यूस कर देगी टू ए, और फिर रिजल्टेंटली मेरे पास जो सेंटेंशियल फॉर्म आएगी वो रिड्यूस हो सकती है इसको, या हम इसको रिवर्सली ऐसे कहते हैं कि हम एस से स्टार्ट करते हैं, वी हैव प्रोडक्शन अल्फा ए डब्ल्यू, और फिर मेरे पास एक ऐसी प्रोडक्शन है जो ए को बीटा से रिप्लेस करके हमें एक नया स्ट्रिंग दे देगी, दैट इज अल्फा बीटा डब्ल्यू। किसी भी अनएम्बिगुअस ग्रामर के अंदर हैंडल इज ऑलवेज यूनिकली डिफाइंड, और अगर हैंडल यूनिकली डिफाइंड नहीं होगा तो फिर हमें कुछ प्रॉब्लम होगी।
मसलन नीचे जो एक ग्रामर है, इस ग्रामर को जरा देखिए, तो इस ग्रामर के अंदर हम देखेंगे कि हम दो डिफरेंट हैंडल्स के साथ सेम सेंटेंशियल फॉर्म एनकाउंटर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो है e प्लस e टाइम्स आईडी और e प्लस e टाइम्स आईडी। अगर मैं इस आईडी को फॉर एग्जांपल लूं तो इट इज रिड्यूस्ड टू e टाइम्स e, या और यहां से e प्लस e लूं तो इट इज रिड्यूस्ड टू e। आईडी को मैंने e से रिप्लेस कर दिया और फिर मैं इस e टाइम्स e को अगर मैं इस e से रिप्लेस करूं और फिर e प्लस e को फाइनली मैं स्टार्ट सिंबल से रिप्लेस कर दूं। और इसी तरीके से नीचे वाली केस में, या अगर मैं इसको डेरिवेशन में देखूं तो हम स्टार्टिंग विद द स्टार्ट सिंबल e मैं दो डिफरेंट प्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हुए सेम स्ट्रिंग जनरेट कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम अगर हम रिडक्शन का प्रोसेस करें तो हम दो डिफरेंट हैंडल्स को यूज करते हुए सेम सेंटेंशियल फॉर्म की तरफ आ रहे हैं या हम उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एम्बिगुअस ग्रामर के अंदर होगा, लिहाजा हमारी ग्रामर का अनएम्बिगुअस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ग्रामर अनएम्बिगुअस है तो उस केस में आपका हैंडल जो है वो ऑलवेज इट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड। तो हैंडल एक ऐसी चीज है जिसको मैं अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर कहना चाहूं तो अगर हमने हमारे पास एक सब स्ट्रिंग है और अगर उस सब स्ट्रिंग से मैच करती कोई ऐसी प्रोडक्शन है जिसकी बॉडी उस सब स्ट्रिंग से मैच करती है और अगर हम उस प्रोडक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द रिडक्शन प्रोसेस, तो उसके बाद हम फर्दर जब रिडक्शन करेंगे तो हम इस काबिल हों कि हम स्टार्ट सिंबल की तरफ जा सकें। लेकिन अगर हम स्ट्रक हो जाते हैं, अगर हम स्टार्ट सिंबल की तरफ नहीं जा सकते, तो फिर वो प्रोडक्शन एक हैंडल नहीं हो सकती। आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक एग्जांपल जिससे हम इस चीज को फर्दर समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक हैंडल किसी भी ग्रामर सिंबल के अंदर वो प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड को मैच कर रहा होगा। इस ग्रामर पे गौर करें, वी स्टार्टेड विद द स्ट्रिंग ए बी बी सी डी ई। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो इस ए दिस इस सब स्ट्रिंग के साथ मेरी ग्रामर के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्शन नहीं कि जिसका राइट हैंड साइड कंप्लीटली इस ए के साथ मैच करता हो। लिहाजा हम आगे चलते हैं और अगला सब स्ट्रिंग उठाते हैं विच इज बी। तो यस, इन दैट केस वी हैव अ प्रोडक्शन दैट इज ए एम्प्लॉयज बी। तो मैं इस बी को रिड्यूस कर दूंगा टू ए। सो अभी तक मेरी स्ट्रिंग की अंदर जो स्टार्ट सिंबल तक जाने की एबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, सो ए एम्प्लॉयज बी इज अ हैंडल। तो उसके बाद बी से अकेले फर्दर यहां पर अगर बी से मैच करूं तो दोबारा मेरे पास प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है ए एम्प्लॉयज बी। लेकिन जरा नीचे गौर करें, यहां पर अगर इस बी को यानी इस बी को अगर ए से रिप्लेस कर दें तो जो सेंटेंशियल फॉर्म बनती है दैट इज ए कैपिटल ए कैपिटल ए ई। तो इट इजंट रिजल्ट्स इन अ सेंटेंशियल फॉर्म दैट लीड्स अस टू द स्टार्ट सिंबल, यानी हम फर्दर रिडक्शन करके स्टार्ट सिंबल की तरफ जा सकते। सो इस केस में ये वाली प्रोडक्शन इज नॉट अ हैंडल। बिल्कुल इसी तरीके से इस तरह पिछली एग्जांपल के अंदर जब हम ने पहले केस में आईडी को रिड्यूस किया था एफ पे और फिर एफ को रिड्यूस किया था टी पे, तो हम उस वक्त हमारे पास एक चॉइस थी कि हम उस टी को ई से रिप्लेस कर दें
और अगर उस जगह पर हम टी को ई से रिप्लेस करते, ऑल दो के टी उस प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे मैप करता था, उसकी बॉडी के साथ मैच करता है और वो रिड्यूस हो सकता था, लेकिन अगर हम उसको रिड्यूस करते तो उस केस में जो दैट वुड नॉट बी अ सेंटेंशियल फॉर्म के दैट लीड्स अस टू द स्टार सिंबल, सो दैट वाजंट एन हैंडल इन दैट केस. एंड सिमिलरली इन दिस केस, जब हम अगर बी को ए से रिप्लेस कर दें देन इट वुड नॉट बी अ हैंडल. सो क्या करेंगे हम, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक ए बी और सी के लिए हम, यानी हम शिफ्टिंग का प्रोसेस करेंगे. लाइक इफ वी आर यूजिंग अ स्टैक तो हम बी को भी शिफ्ट करेंगे, सी को भी शिफ्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि ए बी और सी इसके साथ कौन सी प्रोडक्शन मैच करती है. तो उस ए बी और सी को फिर हमने ए के साथ ए पे रिड्यूस किया, देन हमने डी को बी पे रिड्यूस किया और फिर फाइनली वी हैव ए ए बी ई और इस प्रोडक्शन को हमने रिड्यूस किया टू द स्टार सिंबल एस. तो यहाँ पर आई होप कि आपको हैंडल के बारे में समझ आ गया कि आल्दो के हमारी सब स्ट्रिंग के अंदर एक ऐसी प्रोडक्शन होगी जिसकी मदद से हम रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर रिडक्शन करने के बाद हम फर्दर रिडक्शन ना कर सकें, यानी हमारी फर्दर रिडक्शन फेल हो जाए या हमें अपनी वो सेंटेंशियल फॉर्म ना मिले, तो दैट इज नॉट ए हैंडल. बॉटम ऑफ पार्सिंग के अंदर पार्सिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग इस्तेमाल होती है और इस काम के लिए मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि जस्ट लाइक अ पीडीए कि जिस तरह पीडीए के अंदर स्टैक है, तो यहाँ पे बिल्कुल एक पीडीए यूज होगा जो शिफ्ट और रिड्यूस का प्रोसेस करेगा. तो हमारे पास मेनली चार एक्शंस हैं, शिफ्ट रिड्यूस एक्सेप्ट रिजेक्ट. यानी अगर शिफ्ट और रिड्यूस का प्रोसेस करने के बाद हम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी इनपुट भी कंप्लीट हो गई है और हमारी स्टैक के अंदर सिर्फ स्टार्ट सिंबल है, तो हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट कर लेंगे. तो एक बारी शिफ्ट रिड्यूस के प्रोसेस को या उसके एल्गोरिथम को देखते हैं और उसके बाद फिर एक एग्जांपल के साथ इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. कुछ रूल्स हैं, वो ये हैं कि अगर आपकी स्टैक एक हैंडल कंटेन कर रही है एट द टॉप ऑफ इट, तो हम रिड्यूस करेंगे उस हैंडल को टू द कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन टर्मिनल. और किसी भी एल आर के ग्रामर के अंदर ये डिमांड करता है कि हमने फर्स्ट के इनपुट करेक्टर्स को रीड करना है, वी हैव टू लुक हेड इनटू द फर्स्ट के इनपुट सिंबल. अभी हमने एल आर के ग्रामर को डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने एल एल वन ग्रामर को डिस्कस किया था, जहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पर वन इज द पॉजिटिव नंबर, ये बताता है कि हमने कितने करेक्टर्स अहेड मूव करना. तो नेक्स्ट लेक्चर में जब एल आर ग्रामर को डिस्कस करेंगे तो फिर वहां पर हम इसकी डिस्कशन को भी लेकर आएंगे. लेकिन अगर किसी स्टैक के टॉप के ऊपर हैंडल एग्जिस्ट नहीं करता बट इज स्टिल अ प्रीफिक्स ऑफ द राइट सेंटेंशियल फॉर्म, तो फिर उस केस में हम अपनी स्टैक के अंदर इनपुट से नेक्स्ट टोकन को इनपुट करवा दें. तो मकसद ये है कि आपकी स्टैक के टॉप के ऊपर हैंडल का होना जरूरी है और हैंडल को भी हम देख के आए हैं कि वही हैंडल ये है कि अगर हम उसको यूज करते हुए रिडक्शन का प्रोसेस करें तो हमारी जो सेंटेंशियल फॉर्म है वो मेंटेन रहती है और फर्दर रिडक्शन पॉसिबल रहती है. अब अगर ये सारा प्रोसेस करने के बाद अगर आपकी इनपुट जो है वो एम्प्टी हो चुकी है और स्टैक के टॉप के ऊपर स्टार्ट सिंबल पड़ा हुआ है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट करेंगे. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी रिड्यूसेबल स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. किसी भी राइट मोस्ट डेरिवेशन के लिए जो हमने पहले भी देखी है, अल्फा बीटा इज रेफर्ड एज ए रिड्यूसेबल स्ट्रिंग. लेकिन जब हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर को इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो उस केस में वी नीड टू डिटरमिन कि हमारी जो करंट स्टैक है
whether it is a reducible string, means जैसे अभी हमने कहा कि alpha और beta, के हमारा alpha beta, यानी if ये जो मेरी stack पे पड़ा हुआ alpha beta, whether it is reducible string, and if it is reducible, then we need to determine के to which non-terminal this beta is reducible. क्योंकि अगर एक से ज्यादा हैंडल्स हों जिसपे, तो फिर किसके साथ उसको रिड्यूस करना चाहिए. तो इस डिटर्मिनेशन के अंदर फिर हम नेक्स्ट के इनपुट करेक्टर्स या पूरी की पूरी स्टैक को रीड करते हैं और फिर इस चीज को डिटर्मिन करते हैं कि अब हमने इसको किसके साथ रिड्यूस करना है. जैसे पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा कि ए बी और सी हमारे पास थे, तो हमने उस ए बी और सी पूरे को रिड्यूस किया, नॉट ओनली द ए. थ्योरेटिकली इस काम के लिए वी हैव टेबल, लेकिन उस टेबल की लेंथ क्या होगी? दैट केस इज द टेबल इज एन इनफाइनाइट टेबल. लेकिन हमारे पास कुछ रिडक्शन के एक्शंस एग्जिस्ट करते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा रिड्यूसेबल स्ट्रिंग है, it is always a regular language, और हम किसी भी reducible string के prefix को एक viable prefix कहते हैं. और एक LR parsing के अंदर हम पूरी की पूरी stack को भी एक viable string के तौर पर expect कर रहे होते हैं कि हमारी पूरी की पूरी stack जो है वो एक viable string हो. Now keeping in mind जो हमने shift reduce parsing को देखा है, हम एक example को लेते हैं और फिर उस example के साथ हम उस पूरे shift reduce के process को देखते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन से problems हैं जो हमें इस shift reduce parsing के अंदर आ सकते हैं और फिर उनके साथ हमने किस तरह से handle करना है. एक एग्जांपल के साथ इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स से कि हमारे पास ये ग्रामर है और इनिशियली वी हैव अ स्टैक. और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास हमारा इनपुट स्ट्रिंग कौन सा है. तो जो हमारे पास इनपुट है वो फॉर एग्जांपल आईडी टाइम्स पैरेंथेसिस के अंदर आईडी प्लस आईडी है और दिस इज आवर स्टैक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी इनपुट हो गई और दिस वन इज माय स्टैक और ये मेरी ग्रामर हो गई. अब हम इसके ऊपर अपना शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग को अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि हम किस तरीके से ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे. सबसे पहले तो हमारा शिफ्टिंग का प्रोसेस होगा कि वी हैव टू शिफ्ट हेयर दिस आईडी. तो मेरी स्टैक के अंदर आईडी आ गया और यहां पर हमारा जो आईडी है इसे मैं यहां से इनपुट से निकाल दिया. तो इसका मतलब है कि मैंने इस वक्त शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया. तो मैंने आईडी को स्टैक के अंदर शिफ्ट कर दिया और अपने इनपुट से मैंने उसको निकाल लिया जस्ट फॉर कि मेरी इनपुट का एक सब स्ट्रिंग जो है वो रीड हो जाएगा इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए. नेक्स्ट हमने अब देखना है कि हम इस आईडी को
रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास यस ये प्रोडक्शन है जिसके साथ हम इस आईडी को रिड्यूस करेंगे। सो करना ये है कि इस आईडी को यहां से पॉप कर देना है, इसको हम बाहर निकालेंगे और इस ईएक्सपी को हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे। इस आईडी को मैंने यहां से निकाला और इस ईएक्सपी को मैंने यहां पर शिफ्ट कर, मकसद के दिस आईडी इज रिड्यूस टू ईएक्सपी। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या इस एक्सपी को हम रिड्यूस, ईएक्सपी को हम रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने जिस तो यहां पर ईएक्सपी है इनफैक्ट, और जिसको हमने स्टैक से बाहर निकाला है दैट वाज आईडी। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं, इसको हमने स्टैक से बाहर निकाला है। ये बात में हमारे काम आएगा, इट विल हेल्प अस कि हम ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इस जो ईएक्सपी इस वक्त हैंडल नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जिसकी बॉडी पूरी के पूरी इस ईएक्सपी के साथ मैच करती हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस आईडी को स्टैक के अंदर प्लेस करेंगे यानी पुश करेंगे और फिर इस स्टैरिक को स्टैक के अंदर पुश करेंगे। और अब हम देखते हैं कि इस वेदर दिस स्टैरिक इज अ हैंडल और नॉट। तो यस स्टैक के टॉप पे स्टैरिक पड़ा हुआ है और इस स्टैरिक से के लिए एक प्रोडक्शन भी हमारे पास है, दैट इज दिस ओप प्रोडक्शन। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टैक से इसको हम पॉप करेंगे और इस स्टैक के अंदर हम इस ओप को पुश कर देंगे। सो अगेन मैं इसके साथ ये जस्ट एरो लगा के इंडिकेशन कर रहा हूं कि हमने इसको स्टैक से बाहर निकाला। और नेक्स्ट मैंने अपनी स्टैक अपनी इनपुट में से मैंने इस स्टैरिक को भी रीड कर लिया। अब फर्दर हम चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या इस ऑप को फर्दर हमने इस ऑप को फर्दर हमने क्या करना है। इस वक्त मेरी इनपुट के अंदर ओपनिंग पैरेंथेसिस आईडी प्लस आईडी और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, लिहाजा हम इस ओपनिंग पैरेंथेसिस को स्टैक के अंदर डालेंगे। और अब इस जगह पर देखना यह है कि क्या कोई ऐसी प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है जहां पर हम इस ओपनिंग पैरेंथेसिस के साथ इसको हम मैप करवा सकें। तो ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं है, लिहाजा मुझे एक और शिफ्ट ऑपरेशन करना है और इस आईडी को मुझे इस स्टैक के अंदर पुश करना है, यानी मुझे शिफ्टिंग का प्रोसेस करना है। नाउ वी हैव अ प्रोडक्शन Now we have a production where this ID can be reduced. तो हम इस ID को इस stack से बाहर निकालेंगे और हम उसकी जगह EXP को stack के अंदर shift करेंगे। So in this case, हमने basically
इस आईडी को रिड्यूस किया है टू ईएक्सपी। फर्दर अब मुझे अपना नेक्स्ट इनपुट सिंबल प्लस जो है उसको स्टैक के अंदर डालना है। और जब मैंने प्लस को स्टैक के अंदर डाला तो फिर हमने ये देखना है कि क्या इस प्लस से मैच करती हुई कोई प्रोडक्शन है। तो दिस ओपी इंप्लाइज प्लस, तो इस प्लस को भी हम स्टैक से बाहर निकालेंगे और इस प्लस की जगह हम स्टैक इसको रिड्यूस करेंगे ओपी में, लिहाजा हम स्टैक के अंदर ओपी को ले देंगे। और अगेन दिस एरो इंडिकेट्स के दिस प्लस इज रिड्यूस टू ओपी। और देन मेरी स्टैक के अंदर जो चीज बचती है दैट इज ओनली आईडी, और अगेन इस आईडी से मैच करती ये एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है प्रोडक्शन, लिहाजा इसको भी हमने स्टैक से बाहर निकाला और यहाँ पर हमने ईएक्सपी को प्लेस किया। अगर मैं अपनी इनपुट की बात करूं मेरी इनपुट में अब सिर्फ और सिर्फ ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस बची हैं। तो दिस ईएक्सपी इज एक्चुअली दिस आईडी इज एक्चुअली रिड्यूस्ड टू ईएक्सपी। मैंने सारे पॉपिंग के ऑपरेशन यहां पर मेंशन कर दी। यहां पर हमने ये देखना है कि हमने एक बात की थी कि व्हाट इज रिड्यूसिबल स्ट्रिंग, और फिर हमने ये कहा था कि किसी भी रिड्यूसिबल स्ट्रिंग का जो प्रीफिक्स है दैट इज कॉल्ड अ वायबल स्ट्रिंग, और समटाइम्स वी एक्सपेक्ट दैट अवर होल स्टैक इज अ वायबल प्रीफिक्स। यहाँ पर ये देखिएगा कि ईएक्सपी से मैप करती कोई एक्सप्रेशन नहीं है। हम एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए ये एरोज तीनों एलिमिनेट कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं इस ईएक्सपी को, इस ओपी को और इस ईएक्सपी को उठा के बाहर लें। मकसद ये है कि ये ईएक्सपी ओपी इज अ प्रीफिक्स, इज अ सबस्ट्रिंग, और इस सबस्ट्रिंग से वेदर इट्स दिस सबस्ट्रिंग कैन बी ट्रीटेड एज ए हैंडल। तो इस सबस्ट्रिंग के साथ अब हम देखते हैं कि क्या इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इस वायबल प्रीफिक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। So yes, we can reduce it to the expression, to the production exp. तो इसका मतलब है कि मेरी ये exp इस पे मैप हुआ, मेरा op इस पे मैप हुआ, मेरा ये इस पे मैप हुआ, और हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को एक्चुअली रिड्यूस किया है टू दिस। नो, अब अगेन मेरे पास इनपुट में सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, और मेरे स्टैक के टॉप पे ईएक्सपी है, और अगर मैं इस स्टैक के सारे सिंगल सिंबल्स को एक प्रीफिक्स भी अज्यूम कर लूं, एक सबस्ट्रिंग अज्यूम कर लूं, तब भी मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जो मैप करती है। सो आई नीड टू परफॉर्म अ शिफ्ट ऑपरेशन, और मैंने अपने इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस को स्टैक के अंदर पुश कर दिया। इट मींस कि अब मेरी इनपुट में मेरे पास कोई चीज नहीं बची, और जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस वो भी मैंने अपनी स्टैक में डाल दी है। अब इस केस में
हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं. तो दिस इज नॉट अ हैंडल, ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं है जो खाली क्लोजिंग पैरेंथेसिस को रिड्यूस कर सके, खाली ईएक्सपी को. सो अब हम दोबारा से, मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ और मैं अपनी इन तीनों चीजों को बाहर उठा के ला रहा हूँ. तो मेरे पास एक प्रोडक्शन है, दिस वन. इस प्रोडक्शन से इस्तेमाल करते हुए मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं. सो वी हैव exp. इसका मतलब है कि इस exp से ये चीजें बनी, हम कुछ इस तरह से रिडक्शन हुई और फिर इस हैंडल ने ये सब स्ट्रिंग ने रिड्यूस किया टू दिस वन. नो अगेन, मेरी स्टैक की पोजीशन ये है कि स्टैक के अंदर, स्टैक के टॉप पर ईएक्सपी पड़ा हुआ है और इस ईएक्सपी के साथ मैप करती कोई प्रोडक्शन नहीं है. फिर मैं अगर ईएक्सपी और ओपी को लूं, और अगर हम ईएक्सपी ओप और ईएक्सपी इसको एज ए होल लें, तो नाउ वी कैन परफॉर्म अ रिडक्शन ऑपरेशन और फिर मैं अपने स्टार्ट प्रोडक्शन को इस्तेमाल कर सकता हूं. तो यहां पर एक दफा से फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको एलिमिनेट कर रहा हूं और इसको मैं स्टैक से, इसको मैं बाहर लेकर आता हूं, इन सारी चीजों को. सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम इन सारी चीजों को थोड़ा सा आगे मूव कर लें ताकि हमारा काम आसान हो जाए. सो इसको हम थोड़ा सा इसको हम आगे ले आते हैं और सौरव, चलें ऐसा करते हैं कि इसी को हम बाहर उठा के ले आते हैं. सो ये exp यहाँ पर आया, ये op यहाँ पे आ गया, ये exp यहाँ पे आ गया. फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर के लिए इसको मैं erase कर रहा हूँ और नए arrows draw करते हैं कि इस ने मैप होना था इस पे, इसने यहाँ पर, यहां से हम इस तरह से आए, इस तरह से आए. और अब मेरे पास स्टैक के अंदर exp, op और exp को रिड्यूस करने के लिए वी हैव exp. और गौर करें कि इस exp से दिस वन, दिस वन and this one. If you look that our parsed stable is constructed, agar isko hum thoda sa ek proper shape dein, to humne ek parsed stable construct kar liya hai using the bottom up approach, jahan par humne leaf node se start kiya aur phir us leaf node se हमने देखा कि हमारे सबस्ट्रिंग जिसको हम स्टैक में पुश करते हैं, यानी शिफ्टिंग का प्रोसेस करते हैं, फिर देखते हैं कि वेदर इट इज अ हैंडल और नॉट. और अगर वो एक हैंडल है तो हम उसको रिड्यूस करते थे. अगर वो एक हैंडल नहीं है तो फिर हम शिफ्टिंग का प्रोसेस करते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि हम उस हैंडल के साथ नेक्स्ट करेक्टर को या नेक्स्ट सिंबल को जो स्टैक में है, या पूरी स्टैक
के जो सिंबल है उसके किसी प्रीफिक्स को हम सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वेदर इट इज अ वायबल प्रीफिक्स और नॉट, और इट मे बी ट्रीटेड एज ए हैंडल और नॉट। और अगर वो एज ए हैंडल ट्रीट हो सकता है तो उसको हम एज ए हैंडल सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको हम उस प्रोडक्शन के हेड टर्मिनल से रिप्लेस कर देते हैं। और इस प्रोसेस को करते करते अल्टीमेटली हम बार बार शिफ्टिंग करते हैं, पॉपिंग करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और फाइनली हमने देखा कि हमारी सारी की सारी जो इनपुट थी वो कंज्यूम हो गई एंड वी आर लेफ्ट विद द स्टार सिंबल इन अवर स्टैक। इट मीन्स अवर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। सो अगर हम इस सारी बात के अंदर बेसिक आइडिया की बात करें तो बेसिक आइडिया ये है कि हमारा इस बॉटम अप पार्सिंग के अंदर जो मेन गोल है दैट इज रिकंस्ट्रक्ट अ पार्स ट्री फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम रीड करते हैं अपनी इनपुट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फिर हम बिल्ड करते हैं ट्री बॉटम अप फैशन के अंदर। यानी हमने अपने देखा कि हमने नीचे से शुरू किया और हम ग्रेजुअली ऊपर की तरफ, और इस पूरे काम के लिए हमने स्टैक का इस्तेमाल किया जिसने के हमारे जो पेंडिंग सीक्वेंसेस थे टर्मिनल्स के और नॉन टर्मिनल्स के उनको होल्ड किए रखा। और फिर जब हमने पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया और हमारे पास स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार सिंबल रह गया तो हमने अपने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक हमने शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग को डिस्कस कर लिया और हमने ये देखा है कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के अंदर देर आर फोर पॉसिबल एक्शंस, शिफ्टिंग का प्रोसेस, रिडक्शन का प्रोसेस, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना या स्ट्रिंग को रिजेक्ट करना। दो पॉसिबल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमें जो नजर आ सकते हैं वो शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट है और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट है। शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट हमारे ग्रामर के अंदर इज वन ऑफ द कॉमन कन्फ्लिक्ट इन द सेंस के अगर आपकी ग्रामर के अंदर या आपकी ग्रामर आपको अलाउ करती है एक ऐसा रूल दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस फॉर अ पर्टिकुलर टोकन, यानी जिसको इस्तेमाल करते हुए हम रिडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और ऐसा रूल भी एग्जिस्ट करता है जो कि उसी टोकन के लिए शिफ्टिंग अलाउ करता। तो यानी हम एक ही वक्त में एक ही टोकन के लिए दो रूल लगाते हुए शिफ्ट भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन कि वेदर वी हैव टू शिफ्ट और वी हैव टू रिड्यूस। और द सेकंड इज रिड्यूस कंफ्लिक्ट, यानी हमारे पास रिड्यूस कंफ्लिक्ट कब आएगा, इफ वी हैव टू और मोर रूल्स दैट अप्लाई टू द सेम सीक्वेंस ऑफ इनपुट एंड दिस यूजुअली इंडिकेट्स वेरी सीरियस एरर्स। सो टुडे वी ओनली टॉक अबाउट द बॉटम अप पार्सर, और उसके अंदर जो चीज हमने आज डिस्कस की है वो हमने उसका शिफ्ट रिड्यूस पार्सर डिस्कस किया। दो एग्जांपल के साथ हमने समझने की कोशिश की है, एक बड़ी डिटेल्ड एग्जांपल लिया, और इसी एग्जांपल को जो भी हमने लास्ट में डिस्कस की है इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टेकअप करेंगे। और इस ग्रामर के अंदर विद द स्लाइट मॉडिफिकेशन हम देखेंगे कि किस तरह से हमें शिफ्ट रिड्यूस या रिड्यूस कंफ्लिक्ट का सामना करना पड़ सकता है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि इन कन्फ्लिक्ट से हम कैसे बच सकते हैं। तो स्टूडेंट इन शॉर्ट जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं वो मैं ब्रीफली आपके साथ एक बार रीकैप कर देता हूँ। हमने देखा है कि जो बॉटम अप पार्सर है वो स्टार्ट करता है फ्रॉम द लीफ नोड्स ऑफ अ ट्री और फिर वर्क करता है इन द अपवर्ड फैशन और अंटिल के हम रूट नोड पे पहुंच जाएं। बॉटम अप पार्सर के अंदर जो पार्सिंग है दैट इज शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, और फिर शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में भी फिर हमने फर्दर जो देखा दैट इज एल आर पार्सिंग। अब अगर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करें, यानी हम नाउ वी आर एबल टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन बॉटम अप पार्सर एंड टॉप डाउन पार्सर, तो
अगर हम इसको देखें तो टॉप डाउन पार्सर के अंदर हमने देखा था कि आपका जो पार्सिंग है वो रूट नोड से स्टार्ट होती है, जबकि बॉटम अप पे ये लीफ नोड से स्टार्ट होती है। तो टॉप डाउन पार्सर के अंदर देयर इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, जबकि हमारे बॉटम अप पार्सर के अंदर देयर इज राइट मोस्ट डेरिवेशन। फिर दोनों के अंदर स्टैक यूज होती हैं, लेकिन जो आपका टॉप डाउन पार्सर है वो स्टार्ट करता है विद द रूट टर्मिनल इन द स्टैक, जबकि आपका जो बॉटम अप पार्सर है वो एंड करता है विद द रूट टर्मिनल, रूट नोड टर्मिनल इन द स्टैक। फिर हम ये भी देखा कि अभी जो हमने देखा कि हमारा जो बॉटम अप पार्सर था जब ये एंड होता है तो हमारी स्टैक के अंदर रूट नोड आपकी जो स्टार्ट सिंबल है वो पड़ा होता है, जबकि आपकी जो टॉप डाउन पार्सर है उसके अंदर आपका एंड के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ता। तो इन शॉर्ट आपका टॉप डाउन पार्सर एम्प्टी स्टैक के साथ एम्प्टी स्टैक के साथ एंड करता है और आपका बॉटम अप पार्सर एम्प्टी स्टैक के साथ स्टार्ट करता है। और टॉप डाउन पार्सर के अंदर हमने स्टैक को इस्तेमाल किया था ये देखने के लिए कि व्हाट इज स्टिल टू बी एक्सपेक्टेड, जबकि बॉटम अप पार्सर के अंदर हमने स्टैक को इस्तेमाल किया है कि व्हाट इज ऑलरेडी बीन सीन इन योर इनपुट। इसी तरीके से जो आपका टॉप डाउन पार्सर है वो टॉप डाउन में आपका पार्स टेबल बिल्ड करता है, जबकि आपका जो बॉटम पार्सर है वो बॉटम अप के अंदर फिल करता है। टॉप डाउन पार्सर एक्सपैंड करता था नॉन टर्मिनल को, आपका बॉटम अप पार्सर रिड्यूस करता है नॉन टर्मिनल को। दैट्स व्हाई वी से के ये रिडक्शन का प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर एंड आई होप के आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम इसी बॉटम अप पार्सर को कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर हम जो दो कॉन्फ्लिक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको हम फर्दर एग्जाम्पल के साथ एलैबोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।